एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहादुर शेर रहता था। शेर का नाम राजा था और वह जंगल का राजा था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसका आदर करते थे। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू हमेशा शेर राजा के पीछे घूमता रहता था ताकि उसे खाने के लिए कुछ बचा हुआ मिल सके। एक दिन चीकू ने सोचा, क्यों ना मैं शेर राजा को धोखा देकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। उसने एक योजना बनाई और शेर राजा के पास जाकर बोला, राजा, मैंने सुना है कि एक दूसरे शेर आपके राज को चुनौती देने के लिए आ रहा है। वह बहुत शक्तिशाली है और आपके साम्राज्य को छीनना चाहता है। शेर राजा ने गुस्से में कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे तुरंत उसे दिखाओ। चीकू ने राजा को एक बड़ी झील के पास ले जा कर दिखाया। झील के पानी में शेर राजा की परछाई दिखाई दी। शेर राजा ने सोचा कि वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ा। पानी में उसकी दहाड़ का प्रतिध्वनि सुनकर वह और भी गुस्से में आ गया और झील में कूद पड़ा। झील में कूदते ही शेर राजा डूब गया। चालाक चीकू खुश हुआ कि उसकी योजना सफल हो गई, लेकिन शेर राजा की जगह लेने के बजाय सभी जानवरों ने चीकू को उसके धोखे के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धोखे की उम्र छोटी होती है और चालाकी से हासिल की गई चीजें स्थायी नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सम्मान मिलता है।